नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं आपको सामने बताने जा रहा हूँ किसमें कितना है दम, भारत में कितना है दम, पाकिस्तान में कितना है दम और चीन में है कितना दम, किसकी सेना कितनी है ताकतवर और किसके पास है कितना हथियार। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा भारत, चीन और पाकिस्तान में किसमें कितना है दम। तो हम बात करते हैं सबसे पहले भारत की। भारत में सेना है हमारी 1460350, जबकि पाकिस्तान की सेना है 651800 और चीन की सेना है 2035000। यानी कि चीन की जो थल सेना है वह हमारी भारत की सेना से भी ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान की सेना सबसे कम है। अब बात करते हैं लड़ाकू वाहन की। भारत में 7138 लड़ाकू वाहन है, जबकि पाकिस्तान में 6127 लड़ाकू वाहन है और चीन के पास कहीं ज्यादा 20654 लड़ाकू वाहन है। यानी कि चीन की क्षमता भारत से कहीं भी ज्यादा है लड़ाकू वाहन के मामले में। अब तोप एंड एंटी टैंक सिस्टम की बात करते हैं, जहां भारत में 17415 एंटी टोप रैंकिंग है, वहीं चीन में यह है 26635 और पाकिस्तान बच्चा है 7164 ही उसके पास है। और पनडुब्बी की बात करें तो भारत में 16 पनडुब्बियां हैं और पाकिस्तान में 8 पनडुब्बियां हैं, जबकि चीन में 59 पनडुब्बियां हैं। यानी कि चीन एक डेवलप कंट्री की तरह एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में बनकर उभर रहा है, यानी भारत अभी भी सैन्य मामले में चीन से काफी पीछे है। युद्धपोतों की बात करते हैं, जहां भारत में 414 युद्धपोत हैं और पाकिस्तान में मात्र 74 युद्धपोत हैं, वहीं चीन में 1478 युद्धपोत हैं। और हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट की, भारत में 2379 एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान में 1044 एयरक्राफ्ट हैं और चाइना में 5044 एयरक्राफ्ट हैं। और रक्षा बजट की बात करते हैं, ये मेन मायने रखता है कि हमारा रक्षा बजट क्या होता है, क्योंकि ये सब सारी चीजें ये सब आपके रक्षा बजट पर ही निर्भर करती हैं। जहां भारत का रक्षा बजट है $76.6 बिलियन और वहीं पाकिस्तान का रक्षा बजट है 1523 अरब रुपए और वहीं चीन का रक्षा बजट है $292 बिलियन। यानी कि पाकिस्तान को हटा दिया जाए और भारत और चीन की बात करते हैं तो जहां भारत में 76 है वहीं चाइना में 292 है। यानी कि ये सब सारी चीजें रक्षा बजट पर निर्भर करती हैं। यानी कि अगर हमें चाइना से मुकाबला करना है तो हमें अपने रक्षा बजट को बढ़ाना होगा या भारत सरकार को सोचना होगा, क्योंकि जिस प्रकार पाकिस्तान हमारे सामने बहुत ही कमजोर है, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो इन हथियारों की उपलब्धता के मामले में हम चीन से काफी पीछे हैं, लेकिन हिम्मत, बहादुरी, देशभक्ति में हम विश्व में सबसे नंबर 1 है और नंबर 1 रहेंगे।